दोस्तों, आज अपने पास ये एक LG कंपनी की अल्ट्रा स्लिम टीवी रही। ये देखिए, मैंने इसको ओपन कर लिया, चालू भी कर लिया है। प्रॉब्लम इसमें ये था कि इसकी ST जो है ख़राब हो गई थी, शॉर्ट कर रही थी। तो हमने जो है इसको ऑन किया, ST लगाई, और ऑन करने के बाद आपको दिखाते हैं। हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आया हो, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैंने इसको पावर लगा दिया, हालांकि सीरीज में चलेगी नहीं, इसलिए डायरेक्ट लगा दिया है। आपने लीड देखा ही लगा है, पिक्चर भी देखिए किस तरीके से आ रही है। तो ये देखिए, ये इसकी पिक्चर रही, किनारे साइड दोनों तरफ से इसका पिक्चर कट रहा है, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से। और इसको मैंने फैक्ट्री सेटिंग खोल के भी देख लिया, इसमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कोई सेटिंग मुझे नहीं मिल रहा है। तो अब इसको बढ़ाने का कोई रास्ता जो है कि हम करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने देखिए अपना काफ़ी सारा दिमाग लगा चुके हैं। ये जो होता है यहाँ पर, ये कॉयल के ऊपर मैग्नेट रखने से इसका जो है हाइट, मतलब तो साइड से कुछ बढ़ता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इधर आगे से आप देखिए, मैं पीछे से मैग्नेट को रखता हूँ, ठीक है। ये रहा मैग्नेट, ये दो मैग्नेट है, ये कुछ जुगाड़ है, देखते हैं क्या ये काम कर जाता है या नहीं, और कुछ जो है इसको हम कैसे सही करेंगे उसको देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं मैग्नेट को रख रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है जो भी है, देख सकते हैं, फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा है। उधर साइड ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन इधर साइड कम बढ़ रहा है। लेकिन तो मतलब ये वाला भी अपना फेल हो जाएगा तरीका। ST लगाने के बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम आई है, उसके पहले ये टीवी सही थी, सही रही होगी, ठीक है। तो अब इसको सही हम कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से आपने भी इसको काफ़ी बार झेला होगा, इस कमी को। देखिए, अभी मैंने इसको चेक भी कर लिया है, ये समस्या हम कैसे सही भी करेंगे। पहले तो इसमें लगा था 123J 2000 वोल्ट का PF, ये जो इसमें लगा हुआ है, पुराना वाला ही मैंने लगाया हुआ है अभी, 123J 2000 वोल्ट में। और यहाँ पर मैंने इसका PF भी चेंज किया, क्योंकि अब एक ही रास्ता इसका बचता है, PF हेरा फेरी करके, ठीक है। क्योंकि मैंने सारा जो है कि अंदर से सेटिंग देख लिया है, मुझे नहीं मिला। और ये एक दूसरा PF है, 183J 2000 वोल्ट में, इसका नंबर देखिए सही नहीं दिख पा रहा कैमरे में, 183J 2000 वोल्ट में। अब इसकी जगह पर मैं ये लगाऊंगा, ठीक है, या फिर इसी के ऊपर एक PF और लगाएंगे। तो मान लीजिए ये PF अपने पास एक 10K का है, नंबर इसका गायब है, यूज करते करते, सब पर चेक करते करते ये जो है कि इस तरीके से इसका नंबर हो गया है। अब इसको देखिए हम लगाते हैं, तो पिक्चर किस तरीके से आ रही है उसको भी चलिए आपको दिखा देते हैं। PCB को चाहे तो पलट लीजिए, नहीं तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक AV हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूँ, और इस कॉयल को हटा देता हूँ, यहाँ मतलब ये जो मैग्नेट है इसका, इस मैग्नेट को हटा देता हूँ, देखता हूँ डायरेक्ट अभी कितना पिक्चर बढ़ा बिना कॉयल के। ओके, तो इसको लगा रहे हैं पावर में फिर से, TV अपनी ऑन है, बिना PF की कभी मत ऑन करिएगा, नहीं तुरंत आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। PF लगा कर ही ऑन करना है आपको, ठीक है। ये देखिए, अभी पिक्चर आ रही है, तो पिक्चर अपनी काफ़ी तो बढ़ गई है, देखिए यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन एक कमी भी आ रही है साथ में। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो साथ में एक कमी भी आ रही है, जैसे अब अगर हम मैग्नेट को लगाएं अपना, ये तो पिक्चर पूरा हो जा रहा है, देख रहे हैं आप, पिक्चर पूरा हो जा रहा है, लेकिन साथ में एक सबसे बड़ी कमी, इस तरीके से पिक्चर देखेगा कौन, लाइट अपनी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। ST बढ़ा कर देखते हैं, देखिए ST बढ़ाने पर ही रिटेस्ट आ जा रही है, तो इतना जो है लाइट आ रहा है, तो काफ़ी कम है, ये देख सकते हैं आप सब, ब्राइटनेस जो है कम हो जा रही है। और वही एक PF पर पिक्चर थोड़ा कट रहा है, लेकिन ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। तो अब हमने जो अपना एक PF और हमने चेक किया हुआ है दोस्तों, ये फॉल्ट सही कैसे हो रहा है, देखिए PF का हेरा फेरी करके हम इसको सही कर रहे हैं। देखिए, ये वाला जो PF है अपना, ये दोनों PF इसको निकाल देते हैं, ठीक है, ये वाला भी निकाल दिया, इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। और ये 183J वाला हम इसको लगाते हैं, सिर्फ एक अकेला, ठीक है। अब इसको हम PCB को अंदर करते हैं थोड़ा सा, और मैग्नेट को पहले
ऐसे लगे रंग देते हैं, देखते हैं कुछ अंतर में आता है या नहीं प्रकाश में। लाइट जो इसकी है ब्राइटनेस, उसको चेकेंगे हम लोग। बाकी पिक्चर कितना पूरा हो रहा है, कितना कट रहा है, उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यार। पिक्चर देखिए, ब्राइटनेस बढ़ चुकी है, पिक्चर अपना बिल्कुल सही हो चुका है। बस थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग हो रही है, ये देखिए जरा सी गैपिंग है बस ये वाली। और अब चाहे तो लाइट हम कम करेंगे क्योंकि ब्राइटनेस ज़्यादा है। ठीक है, अब हम ब्राइटनेस कम करेंगे। ठीक है, तो इतने पर दोस्तों, इतना सारा जो है कि मेहनत करने के बाद ये अब जाके सही हुआ है। मतलब ESD बदलने के बाद ये कभी कभी दोस्तों होता है, क्योंकि एक हमने यहाँ पे गड़बड़ी भी की है। ESD का जो सेम नंबर है वो सेम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका सेम नंबर मिल नहीं रहा था, तो हमने इसकी जगह दूसरा नंबर लगाया है। ठीक है, इसमें हमने 1682 करके कोई नंबर है, तो काफ़ी दिनों दोस्तों ये रखा हुआ था, तो आज इसका जो है प्रॉब्लम ओके हुआ है। ये 1682 ESD हमने लगाई हुई है इसमें। ठीक है, ये दूसरा नंबर है, कोई इसमें दूसरा नंबर लगा हुआ था, नंबर तो फिलहाल अभी दोस्तों याद नहीं है, मैं आपको देख के बताता हूँ उसको क्या नंबर है। सो दोस्तों, ESD का फोटो खींचकर मैं आपको इस पर लगा दूंगा डिस्प्ले पर, आप सब देख लीजिएगा। और अभी तो फिलहाल मैं खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने फोटो खींच कर रखा हुआ है। तो अगर आपको इसके अलावा कोई और तरीका मालूम हो तो आप सब उसको शेयर जरूर करिए, जैसे मैं आपको अपनी जानकारी शेयर करता हूँ, तो आप सब भी अपनी जानकारी को ज़रूर शेयर करना जो है कि चाहिए सबको। ठीक है, तो इसको अब हम पैक कर लेते हैं। फिलहाल आपको आज की जानकारी कैसे लगी कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मैग्नेट को दोस्तों यहाँ मैं चिपका रहा हूँ, इसको हम चिपका रहे हैं अपने, देखिए इससे हम उल्टा सीधा भी दोस्तों होता है अभी, तो ये उल्टा सीधा भी गड़बड़ हो गया, देखिए ऐसे मैच कर रहा है। ये अपोजिट साइड चिपकेगा तो दिक्कत करेगा, छोटा आ जाए पिक्चर अपने आप। इसको हमने चिपका लिया है, तुरंत चेक भी कर लेते हैं सही है या नहीं, क्योंकि अगर उल्टा चिपक जाएगा तो फिर वो छोड़ेगा भी नहीं जल्दी। अभी देखिए हटाने में चोट भी लग गई है उंगली पर, क्योंकि अभी मैंने दोस्तों सब चेक कर लिया है तब आपको उसके बाद वीडियो दे रहा हूँ ये, क्योंकि ऐसा ही फॉल्ट था दोस्तों, खोजने में जो है काफ़ी समय लग गया इसमें। देखिए अब ये जाके सब सही है, कोई और चैनल इस पर चेंज करके देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही ब्राइटनेस है। ठीक है, बस हल्का ज़रा सा कट रहा है, चाहे तो उसको भी सही कर सकते हैं हम। हमको करना क्या होगा, देखिए जैसे इधर वाला पिक्चर जो है, इधर साइड ये जो लिखावट है इसकी इधर भागी हुई, मतलब ये जो चारों कोने हैं ये रिमोट का, इसको बीच में रहना चाहिए सेंटर से इधर भी, तो ये नहीं हो रहा है, तो इसको हम फैक्ट्री के खोल के सही भी कर लेते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री खोल के मैं सही कर लेता हूँ, ये फैक्ट्री खोलने के लिए मेनू बटन प्रेस करना होगा, दोनों एक साथ खुल गया। जैसे यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इससे में है ये नहीं है, जैसे देखिए इसको बीच में करना है हमको, इसको बीच में कर लेते हैं दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से बराबर हो गया, ओके करके सेव कर देते हैं, सेव्ड हो गया। पावर ऑफ करते हैं एक बार, फिर से पावर ऑन करके देखते हैं सेव हुआ कि नहीं मैटर हमारा। ठीक है, सेव हो चुका है, इसको हटाते हैं, देखते हैं कुछ परिवर्तन तो नहीं दोस्तों, बस थोड़ा सा खिसका है, बाकी ये जो था ये बराबर हो गया है। ठीक है, ये ज़्यादा उधर खिसका हुआ था, तो ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सही हो चुकी है। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में फिलहाल और कुछ जानकारी के साथ, अब इतना चलने देंगे दोस्तों। मेरे हिसाब से ESD का ही लोचा है, आप नंबर देख लीजिएगा जिसकी जगह हमने पे ये लगाया हुआ है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।